दोस्तों, जब आपके पास नॉर्मल डिवाइस है एएमडी प्रोसेसर का, तो बेसिकली छोटा मोटा आप इसमें गेम भी खेल सकते हैं और ग्राफिक से रिलेटेड भी काम करते हैं। लेकिन होता ये है कि जब आप ग्राफिक पे काम करते हैं तो इस पे लोड बढ़ने लगता है आपके प्रोसेसर पे, और जिसके कारण ये बार बार रीस्टार्ट होने लगता है आपका सिस्टम। तो रीस्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम जो है वो हीट हो रहा है, और हीट होने के कारण वो बार बार रीस्टार्ट कर रहा है। तो आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो आज मैं इससे रिलेटिव आपको इसमें बताने वाला हूँ कि यदि आपका सिस्टम बार बार रीस्टार्ट होता है तो उसको ठीक कैसे करेंगे। तो आपको करना है, आप यहाँ से अपना जो भी हीट सिंक लगा हुआ है, जो आप देख पा रहे होंगे ये हीट सिंक और ये फैन है ऊपर, तो इसको हटाना है। और उसके नीचे ये आप देख पा रहे होंगे ये प्रोसेसर है, तो ये आप जब देखेंगे तो ये काफी हीट होने लगता है, जिसके कारण आपका सिस्टम बार बार रीबूट होता रहता है। तो ये आप इस पे फिर काम भी नहीं कर पाते हैं। तो बहुत इजी है इसको ठीक करना। आप इस पे एक थर्मल पेस्ट करके आता है, तो थर्मल पेस्ट आप यहाँ पे लगा देंगे इसके ऊपर, तो उससे क्या होगा कि जो हीट हो रहा है उसको वो कम कर देगा, और बाकी जो आपका हीट सिंक है उसको कम कर देगा। तो आप बेसिकली थोड़ा बहुत ग्राफिक्स से रिलेटिव काम कर पाएंगे जैसे कि करते हैं। तो यहाँ पर थर्मल पेस्ट लगा दिए। यदि आपके पास थर्मल पेस्ट नहीं है तो आप दूसरा एक और चीज़ है जिसे लगाकर आप फिलहाल जो कहें कि आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। तो आप यदि पेस्ट करते हैं तो आप कोलगेट का यहाँ पे पेस्ट भी लगा सकते हैं, वो भी एज अ थर्मल पेस्ट ही काम करता है। तो यहाँ पे आप कोलगेट लगा दीजिए, उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोसेसर है वो हीट होना बंद हो जाएगा, और आपका जो रीबूट का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको प्रोसेसर निकाल के दिखाता हूँ। तो ये आपका, ये देख पा रहे होंगे ये प्रोसेसर है, और ये प्रोसेसर का सॉकेट जहाँ पे ये प्रोसेसर इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें इसमें आपको पेस्ट लगा देना है, थर्मल पेस्ट, या फिर आपके पास कोई पेस्ट रखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको एक प्रॉब्लम का सलूशन मिला है, जिससे कि आपका सिस्टम बार बार रीबूट होता है। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो मदरबोर्ड के यहाँ प्रोसेसर जो इंस्टॉल है वो उसके हीट होने के कारण होता है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल टैलेंट इंडिया सेल्फ लर्न को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन पर क्लिक जरूर कर लें। इससे ये होगा कि हमारी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका अपडेट आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।